स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, कैसे इसका स्क्वायर रूट्स निकालना है। तो एक्चुअली इट इज जेड स्क्वायर, आपको कुछ दिया जाएगा, जेड आपको निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट्स, रूट नहीं, स्क्वायर रूट जो होता है रियल नंबर में वो पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट्स जो होता है वो डबल रहता है। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आपको दो रूट्स मिलेंगे, ठीक है, वो कन्फ्यूज मत होना। एक कभी रहता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन। इसका रिजल्टेंट ये एक मॉडुलस का वैल्यू देता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट स्क्वायर रूट्स होता है तो वो कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशंस का रूट्स में पूछा जाता है, ओके। सेकेंड डिग्री इक्वेशन का डबल रूट्स होता है, तो मतलब जेड स्क्वायर इक्वल टू ए, तो जेड क्या होगा, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। How to find out square root? Suppose एक complex number दिया गया, let z is equal to x plus iy, इसका square roots निकालना है। इसका मतलब x plus iy root over, तो एक complex number तो मिलेगा, okay? Let x under root x plus iy तो a plus iy। यहाँ पे हम रूट्स कर रहे हैं तो इसका डबल रूट्स आपको मिलेगा। लेट अस टेक x प्लस आई वाई का स्क्वायर रूट आपका a प्लस आई वाई। इसका मतलब x एंड y गिवन, x एंड y आर गिवन, आपको क्या निकालना है, ये क्या होगा, तो इसको स्क्वायर कर दो। एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, मतलब x प्लस आई वाई क्या होगा आपका, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर डालेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर होगा, आई बी का स्क्वायर होगा माइनस बी, माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी में आपको मिलेगा टू ए बी इंटू आई। यस सर। हम व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल तब क्या होता है, रियल पार्ट रियल पार्ट के साथ इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ इक्वल होता है। यस सर। x हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे a एंड b रियल, ठीक है, x y रियल, a b भी रियल, x होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड y होगा, करेक्ट, ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों होगा और नहीं, एंड तो जस्ट फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या मिलेगा, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, यस सर, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो इट इज लाइक ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी, कितना होता है, यस सर, ए प्लस बी द होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर आ जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल, इसका होल स्क्वायर का रूट ओवर कितना होगा, हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, एक्स क्या होता है, प्लस माइनस, तो इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, होगा सर, होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है ना ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। इफ यू राइट माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो आपको क्या मिला, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास था x, ठीक है, यस सर, एंड अभी आपको मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, आपको ये वैल्यू लेना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी दोनों का प्लस कर दो, इफ यू एडेड दिस टू तो क्या मिलेगा, टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर प्लस एक्स, तो ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू, तो ए क्या होगा, अंडर रूट रूट एक्स प्लस एक्स बाय टू का होल और एक रूट होगा, इसमें प्लस माइनस भी हो, सॉरी प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा इसमें होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर था तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव कभी नहीं होता, बट यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा, लाइक दैट इफ यू टेक दैट डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस रखोगे तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यस सर, टू बी स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर माइनस एक्स, ये दोनों का डिफरेंस रखो, तो बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू, देन बी क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए रहेगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यस सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स फाइव, ठीक है, तो एक का दो सॉल्यूशंस मिला, बी का भी दो सॉल्यूशंस मिला, तो ए बी का कितने ऑर्डर पेयर होगा, फोर, फोर, क्या क्या होगा, बोथ प्लस, ए प्लस बी माइनस, ये तो ए माइनस ए माइनस बी प्लस बोथ माइनस, बोथ माइनस, ऐसे चार सॉल्यूशंस होता है, बट स्क्वायर रूट का कितने, स्क्वायर रूट का कितने सॉल्यूशन होना चाहिए, ओनली वन प्लस प्लस टू, स्क्वायर रूट्स कितने सॉल्यूशन होता है, दो होता है, यहाँ पे आपको चार मिला, हाँ यस सर, कहीं ना कहीं मतलब दो सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई करेगा, दो नहीं करेगा, चार सॉल्यूशन तो नहीं होना चाहिए, दो होना चाहिए, तो आउट ऑफ दिस फोर आपको दो सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो दोनों कौन सा दो होगा और क्या कंडीशन होगा, अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट टू सॉल्यूशंस, तो कैसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका लॉजिक क्या है, तो इधर आपके पास क्या दिया गया था, एक्स एंड वाई आपको दिया गया था, ठीक है ना, ए एंड बी आपको निकालना था, एक्स एंड वाई दिया गया मतलब आपके पास टू ए बी का वैल्यू पता है अकॉर्डिंग वाई, यस सर, वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ए बी पॉजिटिव होगा, वाई वैल्यू नेगेटिव होगा तो ए बी नेगेटिव होगा, यस सर, ठीक है, तो ए बी कब पॉजिटिव होता है, ए इंटू बी कब पॉजिटिव होता है, जब दोनों पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसलिए ए दो सोल्यूशन होगा, कब होगा, जब वाई ग्रेटर देन जीरो, आप yes, इसके sir. साथ इसको ले नहीं पाओगे, ये यहाँ पे क्या होता है, ए बी ग्रेटर देन जीरो होता है, एक केस में ए बी लेस देन जीरो होता है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल एट ए टाइम, एट ए टाइम तो पॉसिबल नहीं है, और आपको ए दो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जब आपका वाई नेगेटिव रहे, यस सर, तो ऐसे आपको चार सॉल्यूशन नहीं मिलता है, दो सॉल्यूशन मिलता है,
बोथ प्लस बोथ माइनस लेना पड़ेगा व्हेन वाई ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एक्स एंड वाई आपके पास था, गिवन था, एंड प्लस माइनस और माइनस प्लस आप रखोगे व्हेन वाई लेस देन जीरो। यस सर। इसका मतलब आपका जो ए प्लस आई बी मिला, आपको दो सोल्यूशन मिला, प्लस माइनस मतलब प्लस प्लस के साथ प्लस, नहीं तो माइनस के साथ माइनस, दोनों पॉजिटिव होगा नहीं तो दोनों नेगेटिव होगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सपोज इफ बी ग्रेटर देन जीरो तो आपका आंसर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। यस सर। ओके कुछ आ जाएगा, मतलब ए बी का वैल्यू सपोज ए प्लस आई बी जो एक्स एंड वाई के हिसाब से दो ऐसे मिलेगा, और इसमें अंदर क्या होगा ऐसे रहेगा, ये एक्स का वैल्यू ये वाई का वैल्यू ये इन बिटवीन प्लस आ रहा है, तो दोनों प्लस हो रहा है नहीं तो दोनों माइनस हो रहा है। ठीक है वो भी छोड़ते हैं, ये कंफ्यूज हो रहे थे इसको छोड़, ये इसका रूल होता है, आप चाहो तो एक एग्जांपल लेके निकाल सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लो। माइनस 16 प्लस 35 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ तो क्या करोगे, इसका मतलब आपका x क्या है, मैं इसको माइनस 16 हाँ इसको x प्लस आई वाई मानूंगा, x इक्वल टू माइनस 16 y इज इक्वल टू 30 मुझे माइनस 16 प्लस 30 आई का स्क्वायर रूट निकालना, आप ये कंसीडर कर सकते हो a प्लस। ठीक है तो आपके पास आप चाहो तो फॉर्मूला यूज करो चाहो तो मेथड यूज करो, आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला यूज कर दो, फॉर्मूला याद नहीं तो मेथड के साथ जाओ। मेथड क्या था, स्क्वायर करोगे कंपेयर करोगे ए एंड बी का वैल्यू निकालोगे। यस सर। ठीक है एंड फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y square plus x by 2 इसका रूट होगा। यस सर। ये प्लस और माइनस है एंड b क्या था वही लेकिन ये माइनस है, सेम थिंग माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट होगा और माइनस x by 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस। ठीक है अब डालो तो विच इज प्लस और माइनस, ये होगा 16 का स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर है ना। यस माइनस 16 प्लस एक्स के जगह माइनस 16 बाय 2 इसका स्क्वायर। यस सर। एंड बी हो जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस 16 हो जाएगा, करेक्ट ना। हाँ सर। तो आप चाहो तो 2 स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन आउटसाइड ले सकते हो, आप चाहो तो 30 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर कर सकते हो, 30 स्क्वायर इधर 900 16 स्क्वायर इधर 1156 1156 का स्क्वायर रूट क्या होगा, थर्टी फोर। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, टू स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते हो,
16 square plus 30 square, you can write 2 square into, दोनों में 2 common है ना, तो 8 square yes, plus sir. 15 square कर सकते हैं, ठीक है, and 8 15 square होता है 17 का square, तो इसका square root करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 2 into 17, 30, ये भी कर सकते हैं, right? Yes sir. तो ये आपको मिल गया 34 माइनस 16 बाय 2, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 34 प्लस 16 बाय 2, 34 माइनस 16 18 बाय 2 9 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, यस सर, ठीक है। तो ए बी क्या है, चेक करो आपका 2ab क्या होता है, वही होता है ना, यस सर, पर 2ab क्या होता है, वही होता है, तो 2ab क्या दिया गया था, अभी यहां पे y क्या है, y इधर 5 है, नहीं 30 30 सॉरी 30 30 है सर, 30 इसका मतलब ग्रेटर देन 0, तो ab ग्रेटर देन 0, आज ab ग्रेटर देन 0 तो A and B दोनों both positive, same sign, both plus, yes, नहीं तो both negative, minus. तो अब actually इसमें चार solution आता है, एक plus 3, 3.5 होता है, एक 3.-5 होता है, एक minus 3.+5 होता है, एक minus 3 minus 5. But आज AB greater, ये A comma B का value, ठीक है, आज AB greater yes, than sir. 0, तो आप इस ये दोनों के साथ जाओगे, ठीक है, आपका स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 प्लस 30 आए, हम क्या लेते ए प्लस आई बी लेते, ए के जगह प्लस 3 रखेंगे तो बी के जगह प्लस 5 आ रहा है, और ए के जगह जब माइनस 3 रख रहे हैं बी के जगह माइनस 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों को कंबाइन करूंगा तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ ना, ये हाँ सर कि नहीं, यस सर, रखेंगे तो 3+5 है, माइनस रखेंगे तो -3-5 है, तो yes, स्क्वायर रूट में आपको हमेशा प्लस माइनस साइन इसलिए आ जाता है, देखो और एक बात याद रखो, यहाँ पे प्लस होगा तो इधर प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो इधर माइनस होगा, यही क्वेश्चन माइनस 16 माइनस 30 आई होता, माइनस 16 माइनस 30 आई होता, आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3-5 आई, समझा, यस सर, तो ये याद रखो, यहाँ पे इनसाइड प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा, आई का कोएफिशिएंट तो पढ़ो, यस सर, ये मैंने फॉर्मूला डाला, नहीं आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ओके, तो क्या करोगे, आपका मेथड के साथ जाओ, इज इक्वल टू ए प्लस आई बी स्क्वायर कर दो, दैट मीन्स माइनस 16 प्लस 30 आई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आई, जैसे किए थे, इंप्लाइज आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा माइनस 16 एंड 2 ए बी होगा 30, आपको जस्ट निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, नहीं तो ये दोनों का स्क्वायर का सम कर, ठीक है, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये जो होता है दिस इज द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपको मिलता है 1156, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 34, इसमें प्लस माइनस 30 नो माइनस 34 अच्छा, नहीं होगा क्योंकि yes, sir, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, a yes, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या, नो सर नहीं होता है, इसलिए वो प्लस 34,
एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या दिया गया है माइनस 16 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 16, तो दोनों का सम ले लो तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 18, ए स्क्वायर 9 एंड बी स्क्वायर 25। यस सर, ए क्या होगा ए प्लस माइनस 3 बी प्लस माइनस 5, बट ए बी क्या दिया था, ए बी आपका 15, टू ए बी 30, ए बी 15, तो 3 के साथ माइनस 5 तो नहीं होगा ना। यस सर, ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो आज ए बी 15 दैट इंप्लाइज बी ए इक्वल टू 3 इंप्लाइज बी इक्वल टू 5, ए इक्वल टू माइनस 3 इंप्लाइज बी इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस दो सोल्यूशन मिला, एक मिला 3 के साथ 5, एक मिला माइनस 3 के साथ 5। यस सर, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 प्लस मिल गया। यस सर, सर एक बार फॉर्मूला दिखा दो ना, वो ये आपका कौन सा ये सर, डन इसको। और एक मैंने मेथड भी दिया था, ओके, और एक मेथड क्या दिया था, इसको आप ट्राई करोगे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, वही जो माइनस 16 प्लस 30 आई दिया गया, इसको आप ट्राई करोगे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, और ये हमेशा आपका 2ab पार्ट होता है, देखो ना, आपको 2ab में 30 मिला था ना। Yes, sir. हम जब कंपेयर किए थे 2ab इक्वल टू 30, i का कोफिशिएंट आपका 2ab होता है एंड रियल जो दिया गया रियल पार्ट होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट होता है 2ab, तो ये आपको 2ab मिलेगा 2 इंटू a इंटू एंड आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 16 होगा। ठीक है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 16 हो रहा है तो डेफिनेट बी मोर देन ए होना चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव नहीं होगा, बी का वैल्यू ए से बड़ा होगा तो बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ा होगा, तो क्या होता है टू गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू तो बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए। तो यहां पे आप जो फैक्टर्स ढूंढोगे 30 का जो फैक्टर्स ढूंढोगे P का वैल्यू बड़ा रखना पड़ेगा, मतलब आपका 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, बचा 15, 15 को हम क्या क्या फैक्टर्स बना सकते हैं, 1 के साथ 15 कर सकते हैं, ठीक है, 2 के साथ 15 का कुछ नहीं होगा, मतलब ये में इंटीजर में, yes, 3 के साथ 5 के साथ 3 होता है बट हम नहीं रखेंगे क्योंकि हम B को मान चुके हैं कि B मोर देन A। If you consider this one, what is the a square minus b square? Is it minus 16? No, sir. For this case, what is the a square minus b square? Is it minus 16? Yes, sir. So, abhi minus 16 ke jage, main likh sakta hun ki 3 square minus 5 square plus 2 into 3 into 5 into I. Correct. This one you can write 3 square minus 5 square, you can write 5 I ka whole square plus 2 into 3 into 5. Ye complete square de raha hai. Ye complete square de raha hai. A square plus B square plus 2AB.
Yes. That means minus 16 plus 30i, you can write 3 plus 5i ka whole square. इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? इज इक्वल टू प्लस और माइनस. यस सर. ये भी एक शॉर्टकट मेथड बताया था, बट ये सेटिस्फाई कब होता है? जब आप इसको मार्क कर पाओगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर दे रहा है. अदरवाइज आप फॉर्मूले के साथ जाओ, नहीं तो मेथड के साथ. आप मार्क कर दोगे कि ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है तो सबसे इजी होता है, बहुत इजीली मिल जाता है. कभी कभी मार्क नहीं होता है, देन आपको मेथड के साथ जाना पड़ेगा. मेथड नहीं तो फॉर्मूले के साथ जाना, समझा? Yes, sir. Now, cube roots of infinity. Here also roots of infinity. Unit matlab one, one ka cube root. Iska matlab आपका जो जेड इज द 1 टू द पावर 1 बाय 3, तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन से मिला है. टेक क्यूब ऑफ दिस साइड, देन जेड क्यूब होगा 1. ठीक है, इंप्लाइज जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. 1 मतलब 1 क्यूब यू कैन यूज. इसमें डालो ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी होल इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो आपको दो फैक्टर मिल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल टू जीरो इंप्लाइज फर्स्ट फैक्टर जीरो और सेकंड फैक्टर जीरो. दैट इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू 1 और z square plus z plus 1 equal to 0. यहां से फिर दो रूट्स मिलेगा because of quadratic equation. तो z क्या होगा? It is like ax square plus bx plus c equal to 0. तो x क्या होता है? Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. क्योंकि ये factorize नहीं हो रहा था. तो जेड इक्वल टू माइनस बी. माइनस बी मतलब इसमें ए बी सी क्या है? व्हाट इज योर ए? ए के इसमें ए क्या है? ये जो फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला? कौन सा इक्वेशन का फॉर्मूला ये? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसका इक्वेशन क्या होता है? ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c. इसके लिए ये फॉर्मूला होता है. तो इन दोनों का भी कंपेयर करूंगा तो ए क्या है? 1. b 1. c 1. तो जेड क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन which is minus 1 plus minus. ये minus 3 का root over. Root 3. Root 3 आए. Yes, sir. ठीक है? Yes, so, there are in cube roots of unity, आपका एक root real मिला, बाकी दो root imaginary मिला. और complex roots मिला. Okay? Hence, cube roots of unity are 1 minus 1 by 2 plus root 3 by 2i or a minus half minus root 3 by 2i.
ऐसा तीन मिला। दिस इज योर रियल रूट, दिस टू आर इमेजिनरी। ठीक है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, देयर आर थ्री रूट, एक रियल होता है, दो इमेजिनरी होता है। इफ यू कंसीडर, इफ यू कंसीडर माइनस हाफ प्लस रूट थ्री बाय टू आई आज ओमेगा, हम इसका स्क्वायर निकाले थे, स्क्वायर निकालने के बाद ये मिला, देन ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस हाफ माइनस रूट थ्री बाय टू और वाइस वर्सा, नहीं आप इसको ओमेगा स्क्वायर रखोगे ये आपका ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, पर ओमेगा का आपका मर्जी, आप ये रखो कि ये माने, पर ओमेगा इज द माइनस हाफ प्लस रूट थ्री बाय टू आई रखो और माइनस हाफ माइनस रूट थ्री बाय टू, ये दोनों से कोई एक रखो। ठीक है, तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट। इसका कुछ प्रॉपर्टीज किए थे, बिकॉज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो जेड के जगह आप वन डाल सकते हो सेटिस्फाई करेगा, ओमेगा भी डाल सकते हो सेटिस्फाई होगा, ओमेगा स्क्वायर भी डाल सकते हो, दीज आर द रूट्स ऑफ जेड, तो जेड के जगह आप वही डाल सकते हो, तो वन तो डालोगे तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, ओमेगा डालोगे तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका मतलब ओमेगा क्यूब क्या मिला, वन, समझा कि नहीं? Yes, sir. हम रूट्स किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव पे एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो हैज कितने रूट्स, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कितने सारे रूट्स होते हैं, हाँ? ये इक्वेशन का कितने सारे रूट्स होते हैं, टू रूट्स, क्या क्या, माइनस थ्री माइनस टू, माइनस थ्री माइनस टू, माइनस थ्री माइनस टू, कैसे आप रूट निकालते हो, अरे इसका रूट कैसे निकालते हो, कैसे सर, आंसर थ्री और टू आएगा, माइनस टू माइनस थ्री आ रहा है, तो इसको क्यों रूट बोला गया सर, क्योंकि ये x के वैल्यूज को सैटिस्फाई करेगा,
एक्स के जगह टू और थ्री रखोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एक्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो टू डालोगे तो ये जीरो दे देता है, थ्री डालोगे तो जीरो दे देता है, इसलिए इसको रूट बोला गया। तो हम जब बोलते हैं कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ कौन सा इक्वेशन का रूट, एट द रूट्स ऑफ व्हिच इक्वेशन, जेड क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो जेड क्यू माइनस वन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दीज आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन जेड क्यू माइनस वन इक्वल जीरो, तो वन डालोगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, ओमेगा डालोगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर डालोगे भी सेटिस्फाई होना चाहिए। वन वन चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है, वन क्यू माइनस वन जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ओमेगा भी होगा, ओमेगा क्यूब माइनस वन जीरो होगा, इसका मतलब ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या मिला, वन, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, तो ओमेगा पावर फोर क्या होगा, ओमेगा 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 रेस टू फाइव को क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेस टू सिक्स को क्या लिखेंगे, वन वन, फिर सेवन क्या लिखोगे, ओमेगा, एट को क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर, मतलब वो क्या करेगा, तीन तीन रिपीट करेगा, थ्री थ्री इंटरवल में वो रिपीट करता जाएगा। तो व्हाट यू कंक्लूड, वेदर इट इज पावर थ्री और पावर सिक्स और पावर नाइन और ट्वेल्व, इसका मतलब क्या है, सबके लिए आपका वन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ओमेगा पावर थ्री एन इज इक्वल टू वन, थ्री का मल्टीप्लीकेशन व्हेन एवर पावर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री यू आर गेटिंग वैल्यू एज वन। ओमेगा पावर थ्री एन प्लस वन क्या होगा, ओमेगा ओमेगा पावर थ्री एन प्लस टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी। तो जैसे आई का पावर फोर का मल्टीप्लीकेशन होता तो वन होता था, 4k प्लस 1 होता तो आयोटा होता था, 4k प्लस 2 होता तो माइनस 1 होता था, 4k प्लस 3 फॉर्मेट होता तो माइनस आई होता था, इसमें ऐसे होगा। ओमेगा पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1, 3 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1 होगा, रिमाइंडर 1 होगा तो कोई भी नंबर डिवाइड करो 3 में, इफ रिमाइंडर 0 देन 1, रिमाइंडर 1 ओमेगा, रिमाइंडर 2 ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो तीनों रूट्स मिला इस तीनों का सम रखोगे ये कैंसिल होगा, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस वन, इसके साथ प्लस वन तो जीरो दे दो, तो सम ऑफ रूट्स जीरो होता है। इसका आर्गुमेंट हम चेक मॉडुलस चेक करेंगे, मॉडुलस ऑफ ओमेगा ये आपको वन दे देता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर दैट इज वन, तो ओमेगा का मॉडुलस वन होगा, दैट मीन्स ओमेगा मॉडुलस पावर एन भी वन होगा, इंप्लाइज ओमेगा पावर एन का मॉडुलस वो भी वन होगा, कोई भी ओमेगा का पावर रखो उसका मॉडुलस हमेशा वन होगा। इसका आर्गुमेंट चेक करोगे, इसका आर्गुमेंट चेक करोगे तो ये 120 डिग्री देता है, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा ये देता है 120 डिग्री, और इसको चेक करोगे तो ये माइनस 120 डिग्री, तो इसका मतलब ये प्लस और माइनस 120 डिग्री देता है। इफ यू कंसीडर आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा as 120 degree, then argument of omega square
आपको -120 degree और 240 degree, -120 degree जहां पे होता है, 240 degree कोई होता है। ऐसे घुमाओगे तो 240 degree, आप ऐसे घुमाओगे तो ये होता है -120। बहुत सिमेंस है, ओके। तो इसलिए +-120 लिखा, क्योंकि हम ओमेगा इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। ये रखोगे तो 120, ये रखोगे तो 240 बोलो कि -120, ठीक है। तो मॉडुलस मॉडुलस 1 हुआ, आर्गुमेंट 120 एंड ये रहा। तो ये तीनों पॉइंट को मैं आर्गन प्लेन पर रखूंगा। तो दिस इज 1, ये आपका ओमेगा होता है जिसका डिस्टेंस 1 होता है एंड एंगल 120 degree करता है, और इधर मिलेगा आपका ओमेगा स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस 1 होता है, एंगल 240 यहां से करता है, ऐसे 120 करता है, तो ये एंगल भी 120 degree। तो इसको मैं जॉइन करूंगा तो मुझे कौन सा ट्रायंगल दे रहा है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों पॉइंट में आप सर्कल बना सकते हो। यस सर। कौन सा सर्कल होगा? ऑफ रेडियस 1। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लाइज ऑन ए यूनिट सर्कल विद सेंटर 0.0, सेंटर 0.0, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस, रेडियस 1 होता है, सेंटर 0.0, और मैं इसका ट्रायंगल बनाऊंगा तो यहां पे जब सेंटर पे 120 डिग्री हो रहा है तो सर्कमफेरेंस पे 60 डिग्री होगा। यू नो सेंटर एंगल ऑलवेज डबल ऑफ सर्कमफेरेंस एंगल, यहां पे 120 होगा तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ये नो क्या होगा, वर्टिसेस अपॉन इक्विलेटर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विद द वर्टिसेस अपॉन इक्विलेटर। And with side length, इसका साइड लेंथ देखोगे ये जो पॉइंट होता है -√3/2, ये जो पॉइंट होता है -√3/2, तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज द √3/2 होगा, ये भी √3/2, तो टोटल हो जाएगा √3 यूनिट। और एक होता है ओमेगा, ये एक दूसरे का कंजुगेट होता है, एक दूसरे का कंजुगेट, तो आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इज द कंजुगेट ऑफ ओमेगा, और ओमेगा यू कैन राइट ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट, एक दूसरे का कंजुगेट। ऑल्सो यू कैन यूज ओमेगा स्क्वायर एज 1/ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर यू कैन राइट 1/ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज द 1, और ओमेगा यू कैन राइट 1/ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इफ यू कंसीडर -√3/2 आए, देन दिस वन यू कैन राइट cos 2π/3 प्लस आई sin, ओके, cos 2π/3, इसका जो मॉडुलस आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट क्या मिला, 2π/3 मिला, मॉडुलस 1 मिला, तो मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट होगा cos 2π/3 प्लस i sin। और तो क्वेश्चन कराया था उसका, उसको मैंने बताया था, आज रिजल्ट आप याद रख सकते हो,
a plus b into a plus b omega well into a omega plus no a omega plus b omega square a plus b into a omega plus b omega square into a omega square plus b omega या आपको a क्यूब प्लस b क्यूब देता है। ये रिजल्ट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और जब ये माइनस होता है आपको देता है a क्यूब माइनस b क्यूब। सो a माइनस b इनटू a ओमेगा माइनस b ओमेगा स्क्वायर तो a ओमेगा स्क्वायर माइनस b ओमेगा यू कैन राइट a क्यूब माइनस। और एक रिजल्ट दिया था a प्लस b प्लस c इनटू a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर इनटू a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट a क्यूब प्लस b क्यूब आफ्टर सिंपलीफिकेशन माइनस 3abc। इनफैक्ट ये जो होता है ये होता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस सी। ये सब मैंने प्रॉपर्टीज दिया था तो इसका प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रॉपर्टीज बहुत यूज होता है। ये था आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। लिखना है क्या? उसको बाद में कब तक चलना है? नेक्स्ट डिमर्स थ्योरम। व्हाट इज डिमर्स थ्योरम? डिमर्स थ्योरम सेइंग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन इज कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन। बट यहाँ पे इससे डायरेक्ट होने के लिए n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर तो ये डायरेक्ट ऐसे होगा। ठीक है, इफ n बिलोंग्स टू p बाई q फॉर्मेट तो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता। ठीक है, सपोज cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर 3 2 का पावर 3 आपको कितने सॉल्यूशंस मिलेगा, कितने वैल्यू मिलेगा? टू का पावर 3 कितने रिजल्ट्स होता है? इक्वल टू व्हाट? 8। एक ही सॉल्यूशन होता है तो इसके लिए ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा। तो आपको थीटा तो दिया जाएगा, थीटा के हिसाब से ये एक ही वैल्यू आपको देता है। सपोज इट इज cos थीटा माइनस सॉरी प्लस i sin थीटा टू द पावर माइनस 3 टू पावर माइनस 3 आपको क्या दे देगा, 1/8 दे देता है। ये भी एक ही सॉल्यूशन देता है तो हियर यू विल गेट cos ऑफ माइनस a सीधा सीधा एंगल में मल्टीप्लाई होता है माइनस 3 थीटा प्लस आई साइन माइनस 3 थीटा बाद में ये हो जाता है कॉस ऑफ माइनस थीटा। कितना होता है कॉस ऑफ कॉस थीटा तो ये कॉस 3 थीटा होता है साइन ऑफ माइनस थीटा
माइनस साइन थीटा, ये होता है माइनस आई साइन, ठीक है, ये एग्जैक्ट होता है, बट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर टू बाय थ्री रखोगे आपको कितने सॉल्यूशन होना चाहिए, 16 पावर 1 बाय 4 रखेंगे, कितने सॉल्यूशन होना चाहिए, 4 सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है 2, एक होता है माइनस 2, एक होता है 2i, एक होता है माइनस 2, देखो इसका कोई भी पावर 4 रखो, किसी चारों का कोई भी पावर, किसी का भी पावर 4 रखो, 16 आपको दे देगा, यस सर, तो 4 सॉल्यूशन होते हैं, तो एक केस में आपको कितने सॉल्यूशन आना चाहिए, 3 सॉल्यूशन, आप इसको सीधा सीधा डिमर्स यूज करोगे आपको क्या मिलेगा, cos 2 थीटा बाय 3 प्लस i sin 2 थीटा बाय 3, तो थीटा तो आपको कहीं ना कहीं कुछ एंगल दिया जाएगा, तो आपको इसके हिसाब से एक ही सॉल्यूशन मिलता है, 3 सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो ये गलत हो जाता है, दिस इज करेक्ट, दिस वन करेक्ट और दिस वन करेक्ट, बट ये गलत होता है, गलत मतलब ये क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन, इसका जो 3 सॉल्यूशंस आना चाहिए, 3 सॉल्यूशंस आना चाहिए, इसमें एक सॉल्यूशन ये होगा, बाकी दो आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे डिमर्स इसमें डायरेक्ट नहीं यूज होता है, तो इसलिए मैंने बताया cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर n, इट इज cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, पर n बिलोंग्स टू, और ये जब माइनस होगा, ये जब माइनस होगा तो इधर भी आपको माइनस होगा, बट n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए, व्हेन n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर आपका डिमर्स डायरेक्ट यूज नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट यूज होता है, इफ n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर तब क्या होता है, आपको इसको जनरलाइज करना पड़ता है, ओके, डोंट ट्राई इट लाइक दिस, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर 2 बाय 3 हम डायरेक्ट डिमर्स नहीं लगाएंगे, इसको यूज करेंगे cos 2k π प्लस, चेंज करो थीटा cos 2k π प्लस थीटा प्लस i sin 2k π प्लस थीटा और टू दी पावर, अच्छा एक मिनट, इसमें आप ये कर सकते हैं, इसको आप लिख दोगे cos थीटा प्लस i sin थीटा का स्क्वायर पावर 1 बाय 3, चलेगा, यस सर, स्क्वायर के लिए एक ही सॉल्यूशन देता है, तो इसमें डायरेक्ट डिमर्स यूज होगा, तो यू कैन राइट cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा टू दी पावर 1 बाय 3, बट 1 बाय 3 के लिए डायरेक्ट डिमर्स यूज नहीं होगा, इसको जनरलाइज करना पड़ेगा, अच्छा थीटा ऑन 2k π प्लस थीटा, ये दोनों में कोई डिफरेंस है, नो सर, क्योंकि 2k π में क्या होता है, कंप्लीट रोटेट कर जाता है, तो थीटा बोलो कि 2k π प्लस थीटा बोलो, बोथ एंगल रिमेन सेम, तो थीटा इक्विवेलेंट टू व्हाट, 2k π प्लस थीटा, इक्वल नहीं बोलेंगे एंगल में, बट रूट ये के वजह से ट्रिगो रेशियो यूज कर देंगे तो वो क्या होता है, सेम हो जाता है, दैट मींस cos थीटा यू कैन राइट cos 2k π प्लस थीटा, तो इसलिए मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे cos 2k π प्लस थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा प्लस i sin 2k π प्लस 2 थीटा और टू दी पावर, और
और यहाँ पे जो k होगा टू गेट थ्री सोल्यूशन, आपको k के जगह जीरो लेना पड़ेगा, वन लेना पड़ेगा। इसके बाद आप जो भी कुछ रखोगे आपका सोल्यूशन रिपीट करेगा, कोई न्यू सोल्यूशन आपको नहीं देगा। ओके, आपका वन बाय थ्री मतलब तीन सोल्यूशन होना चाहिए। तीन सोल्यूशन कैसे मिलेगा, k के जगह जीरो डालो, एक होता है एक डिफरेंट एक एंगल मिलेगा, वन डालोगे तो और एक डिफरेंट एंगल मिलेगा, टू डालोगे तो और एक डिफरेंट एंगल मिलेगा, बट थ्री डाल दोगे सेम एंगल आ जाएगा, जो एंगल ऑलरेडी आ चुका है ना वही एंगल आएगा, डिफरेंट एंगल नहीं मिलेगा। ठीक है, आप k के जगह थ्री डालते देखो, k के जगह जीरो डालो कितना आ रहा है, सिर्फ एंगल चेक करो टू थीटा। ठीक है ना, k के जगह वन डालो, नहीं ये पहले इसको डिमर्स यूज करेंगे फिर डालेंगे, अभी डिमर्स यूज करो कितना होगा, cos 2k pi plus 2 theta by 3 plus I sin 2k pi plus 2 theta by, ये हो गया आपका डिमर्स यूज हो गया, पर k इक्वल टू 0 1। अब देखो हम क्यों टू तक रखे, इसका आगे क्यों नहीं रखे, आगे रखने के बाद भी आपको डिफरेंट एंगल नहीं मिलेगा। k के जगह जीरो डाला तो क्या मिलेगा, टू थीटा बाई थ्री। k के जगह वन डालेंगे टू पाई बाई थ्री प्लस टू थीटा बाई थ्री, है ना, दोनों एंगल सेम के डिफरेंट। अब k के जगह 3 डालो क्या मिलेगा, k के जगह 3 डालेंगे तो 2 पाई प्लस 2 थीटा बाय 3, 2 थीटा बाय 3 एंड 2 पाई प्लस 2 थीटा बाय 3, सेम एंगल की डिफरेंट एंगल, सेम एंगल, तो इसका रिजल्ट इसके साथ ही बराबर होगा, तो रिपीट करेगा आपको डिफरेंट आंसर नहीं मिलेगा, दिस थ्री आर डिफरेंट आंसर। k के जगह 4 डालो, 4 डालोगे तो 8 पाई बाय 3, 8 पाई बाय 3 को मैंने लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, है ना, 8 पाई बाय 3 प्लस 2 थीटा बाय 3, अगेन दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम है। Yes, ये जो एंगल है ना ये वही एंगल के साथ प्लस टू पाई हो गया, मतलब कंप्लीट रोटेट कर गया एंगल, फिर में सेम, इसमें कोई डिफरेंट एंगल आपको नहीं मिलेगा, आप आगे जितना ही भी जाओगे। तो व्हेन इट इज थ्री देन आपका के का वैल्यू 0 1 2, तो यहाँ पे डिमर्स थ्योरम डायरेक्ट यूज नहीं होता है, तो इसको इनडायरेक्ट वे में हम डिमर्स यूज करते हैं। पावर इंटीजर रहेगा डायरेक्ट यूज करो, रेशनल में रहेगा तो आपको रोटेट करके जनरलाइज करके यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी आपका इरेशनल रहेगा ऐसा डिमर्स यूज नहीं होता। तो बेस्ड ऑन दैट हम निकालेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिमर्स थ्योरम, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। What is nth roots of unity? इसका मतलब z to the power 1 by n equal to 1. Means, आपका real question होगा z power n equal to 1. z power n जब 1 होता है, इसका root जो होता है, that root, n roots, there are n roots, and roots are called nth roots of unity. No, sorry, z is equal to 1 to the power 1, nth roots of unit, so z power n 1, z equal to 1 to the power 1 by n, 1 को polar form में कैसे लिखेंगे,
You know every complex number you can write r into cos theta plus sin. I sin theta. R is the mod z into cos theta plus. अब वन को कैसे लिखोगे? वन इज द वन प्लस आई इंटू जीरो. इसका मॉडुलस क्या हुआ? इसका मॉडुलस कितना? आर्गुमेंट कितना? जेड थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड. इसका मॉडुलस कितना? वन मतलब आपका इधर रहता है. मॉडुलस का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. सेंटर नहीं, ओरिजिन. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट. ओरिजिन. इसका डिस्टेंस वन. मॉडुलस वन. आर्गुमेंट क्या होता है? y by x. If z is here, argument का definition क्या बोलता है? Angle formed by line joining positive x-axis. Origin to वो point को join कर दो, जितना angle करेगा with respect to positive real axis. Yes sir. अभी origin to z को मैंने join कर दिया, one को join कर दिया, वो कितना angle कर रहा है? Zero. Zero. तो वन को आप लिख सकते हो cos 0 प्लस आई sin 0. चेक करो, यही दे रहा है ना? cos 0 कितना होता है? cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1. sin 0 का वैल्यू 0. 0. सेटिस्फाई हुआ? यस सर. तो वन को आप लिख सकते हो cos 0 प्लस आई sin 0 टू दी पावर 1/n. डायरेक्ट डिमर्स यूज नहीं होगा, इसको जनरलाइज करना पड़ेगा. यू कैन राइट 2k पाई प्लस 0 प्लस आई sin 2k पाई प्लस 0 टू दी पावर 1/n. अब डिमर्स यूज करो, कितना होगा? cos 2k पाई बाय n plus I sin 2k pi by n for all k is equal to 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. देखो, 3 के लिए 2 तक गया था, n के लिए n minus 1 तक. ठीक है? तो these are called nth roots of unity. अब k के जगह 0 डालो. If k equal to 0, तो आपको आंसर क्या मिला? इसको जेड जीरो मान रहा हूँ. जेड जीरो क्या होगा? k के जगह 0 डालेंगे तो cos 0 plus i sin 0 which is 1. k के जगह 1 रखो, k के जगह 1 रखो तो इसको, इसका रूट को मैं जेड 1 मान रहा हूँ. जेड 1 क्या होगा? cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. इसको मैं अल्फा मान रहा हूं. Let us take अल्फा. अब k के जगह 2 डालो, क्या होगा? उसका रूट को मैं z 2 मान रहा हूं. k के जगह 2 डालो, cos 4 pi by n plus I sin 4 pi by n. Can I write this is cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n ka square? Square mein to direct inverse use hoga na? Yes sir. To sidha sidha 2 multiply hoga, to 4 pi by n, ye bhi 4 pi by n. Plus 4 pi by n plus I sin 4 pi by n, you can write cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n plus square. और इसको मैंने अल्फा मान लिया, तो ये होगा अल्फा स्क्वायर. z के जगह 3 रखेंगे, सॉरी k के जगह 3 रखेंगे, यू विल गेट z 3. आपका पावर
अल्फा रेस्ट टू थ्री होगा। जेड टू के लिए अल्फा स्क्वायर मिला, जेड थ्री के लिए अल्फा क्यूब मिलेगा। अब टू के जगह एन माइनस वन रखेंगे, दैट इज जेड एन माइनस वन विल गेट अल्फा पर एन। So these are called nth roots of unity. Hence, nth roots of unity are formula 1, alpha, alpha square, and so on up to alpha raised to 1, alpha, alpha square, alpha cube, up to alpha raised to n. These are called nth roots. हम प्रॉपर्टीज निकाल लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज हुआ था? एक हुआ था मॉडुलस ऑफ अल्फा। देखो सबके सब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मेट में है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मॉडुलस क्या होता है? थीटा कुछ भी हो, cos थीटा प्लस sin थीटा का मॉडुलस क्या होगा? cos थीटा प्लस sin थीटा का मॉडुलस क्या होता है? तो क्या कर रहे हो? क्या cos थीटा प्लस sin थीटा का मॉडुलस क्या होता है? 1। तो इसमें टाइम क्यों लग रहा है, मतलब क्या होता है? बाकी सबका क्या है? x प्लस आई वाई का मॉडुलस क्या होता है? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसमें फिर क्या दिक्कत हुआ? व्हाट इज योर एक्स हियर? कॉस थीटा। व्हाई? साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कितना होता है? 1। तो इसमें फिर दिक्कत क्यों है? आप इसका मॉडुलस निकाल नहीं पा रहे, तो फिर तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं ना। तो अल्फा का मॉडुलस 1 होता है, तो अल्फा का कोई भी पावर रखोगे उसका मॉडुलस भी 1 होगा, मतलब अल्फा मॉडुलस टू दी पावर एन। और एक सम ऑफ रूट्स, मैं अल्फा पावर एन 1 आ गया यहाँ पे, एंड अल्फा पर एन, अल्फा पर एन क्या होगा? एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी का रूट अल्फा होता है, अल्फा स्क्वायर होता है, लाइक दैट। तो अल्फा पर एन कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा ना जेड को, तो अल्फा रेस टू एन इक्वल टू 1 होता है। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू सो ऑन अप टू अल्फा रेस्ट टू एन माइनस 1। इसमें सम ऑफ जीपी डाल दोगे, विल गेट 1 माइनस अल्फा पर एन अपॉन 1 माइनस अल्फा व्हिच इज 0, क्योंकि ये 1 है, तो सम ऑफ रूट्स 0 होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज 1 इंटू अल्फा स्क्वायर and so on, alpha raised to n minus 1,
आपको दो रिजल्ट मिलता है, ये वन होता है इफ एन इज एन ऑड, एन ऑड होगा तो प्लस वन होता है, एन इवन होगा तो माइनस वन होता है, इफ एन इज एन इवन। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो मिला था, ये पूरे सर्कल को क्या किया था, थ्री इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया था, 120 120 120, थ्री इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया था, तो इसमें क्या होगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी उस सर्कल को n इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। अल्फा का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ अल्फा, अल्फा को हम माने कि कितना, इसको मैंने अल्फा माना ये cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, 2 पाई बाय n। तो फर्स्ट रूट आपको मिला 1, ये होगा अल्फा, इसका एंगल होगा 2 पाई बाय n, ये होगा आपका अल्फा स्क्वायर, इसका एंगल भी इन बिटवीन 2 पाई बाय n होगा, ये हो जाएगा फ्रॉम रियल एक्सिस, ये हो जाएगा 4 पाई बाय n, ये होगा आपका अल्फा क्यूब, इसका एंगल भी होगा 2 पाई बाय n, ऐसे अल्फा टू दी पर n माइनस 1 रहेगा। तो ये क्या करेगा, पूरे सर्कल को, ये भी एक सर्कल देगा क्योंकि सबका मॉडुलस 1, पूरे सर्कल को n इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा रेस्ट टू n माइनस 1 लाइज ऑन ए यूनिट सर्कल, विथ सेंटर 0.0, सेंटर 0.0 होगा और एक यूनिट सर्कल के ऊपर रहेगा, एंड रूट्स डिवाइड द सर्कल इनटू एन इक्वल पार्ट्स, इतने इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिट। समझा ये? Yes, sir. आपका फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिट रखोगे, वो यूनिट सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। सेवेंथ रूट्स ऑफ यूनिट रखोगे, पूरे सर्कल को 7 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। सिक्स्थ रूट्स ऑफ यूनिट रखोगे, पूरे सर्कल को 6 यूनिट्स पार्ट, सॉरी 6 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सपोज आप रखोगे सिक्स्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो क्या करेगा, सिक्स इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट, पूरे सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट रूट 1 होगा, देन ऐसे 6 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट वन वन होगा, सेकंड वन होगा, इधर 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो ये रूट जो होगा ना, cos 60 डिग्री प्लस i sin 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 1 by 2 प्लस रूट 3 by 2 i, ये होगा 120 डिग्री, यहां से 120 डिग्री होगा, तो ये जो एलिमेंट रहेगा ना, ये जो रूट होगा
it is cos 120 degree plus I sin 120 degree. That means ये omega हो जाएगा. ये आपको मिलेगा 180 degree. इसका मतलब ये आपका minus one मिलेगा. ये आपका मिलेगा 240 degree हो रहा है. तो ये होगा omega square. जब ये ओमेगा स्क्वायर होता है ना, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर. देखो ये दिस वन इटसेल्फ माइनस ओमेगा स्क्वायर. चेक करो, क्योंकि ओरिजिन में अपोजिट में क्या होता है, ये एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो एक दूसरे का नेगेटिव होता है. चेक करो, इज इट माइनस ओमेगा स्क्वायर और नॉट. चेक करो ना एक बार. हम ओमेगा को क्या लिए थे, ओमेगा स्क्वायर को क्या लिए थे, माइनस हाफ माइनस रूट थ्री बाई टू आई. ओमेगा को लिए थे माइनस हाफ प्लस रूट थ्री बाई टू आई, जो ये आपको मिल रहा है. ओमेगा स्क्वायर को हम लिए थे माइनस हाफ माइनस रूट थ्री बाई टू आई, ठीक है ना. तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, प्लस प्लस मिला वही. यस सर, ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये ओमेगा हुआ तो ये माइनस ओमेगा हुआ. दीज आर द सिक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर. समझा? यस सर. एट रूट्स ऑफ यूनिट रखोगे, पूरे सर्कल को एट इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करो. तो ये हो गया nth रूट्स ऑफ यूनिट. और क्या करना है, स्क्वायर क्यू डिनोट्स nth, रोटेशन चाहिए. Suppose this is the Z. So origin से Z को मैंने join किया. Let this makes an angle theta with respect to positive real axis. ठीक है? तो वो theta कैसे मिलता है? ये theta को क्या बोलते हैं? ये थीटा जेड का क्या होता है, आर्गुमेंट. तो क्योंकि वही डेफिनेशन था कि व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड, लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर मेक सर्टन एंगल विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो दैट एंगल इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना. तो ये जो थीटा होता है दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड. ये मैंने डेफिनेशन वाइज बना. अच्छा, थ्योरेटिकल देखेंगे एक्चुअली वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, वाई अपॉन एक्स. वाई अपॉन एक्स. आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, फॉर्मूला tan inverse y by x. यस, tan इनवर्स y by x. देख, तो ये पॉइंट मैंने x कमा y रखा, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. तो ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वाई वाई. ये डिस्टेंस को एक्स.
What is the tan theta? Y by x. तो थीटा क्या होगा? मिल गया आर्गुमेंट ऑफ जेड? यस ठीक है. तो ये होता है आपका थीटा, मतलब इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट आर्गुमेंट ऑफ जेड. मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है? ओरिजिन से जेड को जॉइन करो, जितना एंगल वो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस. इसके साथ नहीं, सपोज इधर एक पॉइंट रखा है जेड टू, इसको मैं जॉइन कर रहा हूं. लेट ए एंगल आपको अल्फा दिया. एक मिनट, इसको मैं ले रहा हूं अल्फा, ये ले रहा हूं, इसको बिटा ले रहा हूं. यहां पे आपका मिलेगा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन, ये जेड वन ले रहा हूं. अब करेक्ट है कि नहीं? How to get beta? Beta कैसे मिलेगा? Sir, argument tan inverse of no. मतलब वही sir, argument of z2. Yes, argument of z. जैसे alpha मिला आपको argument of z1, beta ऐसे मिल जाएगा argument of z2. तो ये angle कितना है? Let this angle is the theta. तो theta कैसे मिलेगा? Beta minus alpha. It is argument of z2 minus argument of z1. Argument of z1 minus argument of z2 क्या होता है? Argument of z1 minus argument of z2 क्या होता है? बीटा माइनस सॉरी अल्फा माइनस बीटा. नहीं नहीं सर, आर्गुमेंट सेट 1 बाय सेट 2. यस अच्छा ओके सर. यस सर, तो इसको आप लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ जेड 2 अपॉन जेड 1. यस सर, कैन आई राइट आर्गुमेंट ऑफ जेड 2 माइनस 0 अपॉन जेड 1 माइनस 0? यस सर. इसका मतलब आपका क्या मिला? कोई चीज को मैं इधर रखता हूं, ये z2 ये z1 ये 0, एंगल बिटवीन देम इज द थीटा. देन हाउ टू गेट दिस थीटा? थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0. करेक्ट? यस सर. वही चीज को मैंने इधर डाल दिया, उठा के रखा, ठीक है ना? इधर जो थीटा मिला था, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, ये दोनों के बीच में एंगल इज द थीटा. तो ये थीटा कैसे मिल रहा है? आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड वन. और यू कैन राइट आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जीरो अपॉन जेड वन माइनस जीरो, क्योंकि ओरिजिन हमेशा रहेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं. अब क्या करेंगे? ये चीज को मैं ये जेड वन ये जेड टू ये जेड थ्री रख रहा हूं, इसका एंगल को थीटा रख रहा हूं. हाउ टू गेट दिस थीटा? थीटा को कैसे लिखेंगे? आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0. जीरो कहां है? जीरो नहीं है, ये z1 z2 z1 माइनस z2 z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2 z3 माइनस z2. आप इसको फॉलो करो ना. ओके सर. ये z2 माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0, इधर क्या होगा? z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2. समझ में आया? यही होता है आपका रोटेशन. अच्छा, यहां पे मैं आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे?
इसको मैं आर्गुमेंट ऑफ ए केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपन जेड टू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 पाई माइनस थीटा। ना हाँ, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में हाँ पहले केस में z आर्गुमेंट ऑफ z1 सबट्रैक्ट और सेकंड केस में आर्गुमेंट ऑफ z2। हां तो एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स नेगेटिव नेगेटिव होता है। यहाँ पे आपको मिलता है आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1, इसमें मिलता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2, इसमें मिलता है आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1, इसमें मिलता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो एक दूसरे का नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो इफ इट इज थीटा देन ये आपको मिलेगा माइनस थीटा। तो ये बहुत बड़ा चीज होता है, तो आपको हमेशा बड़े एंगल से छोटे एंगल लेना पड़ेगा सो दैट यू विल गेट पॉजिटिव एंगल। आप यहाँ इसका अल्फा क्लियरली लेस देन बीटा, आप आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू कर दोगे तो अल्फा माइनस बीटा होगा। अल्फा माइनस इफ बीटा माइनस अल्फा इज द थीटा तो अल्फा माइनस बीटा माइनस थीटा होगा। यस सर। देखो ना ये केस में आपको क्या मिल जाता है? अल्फा माइनस बीटा मिल जाता है, अल्फा माइनस बीटा माइनस थीटा होगा। तो ये जो मैंने केस रखा इफ जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड थ्री माइनस जेड टू का आर्गुमेंट आपका थीटा, बाय चांस आप इसको उल्टा कर दिए मतलब इंटरचेंज कर दिए तो आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू अपॉन जेड वन माइनस जेड टू आपको क्या मिल जाएगा? माइनस थीटा मिलेगा। समझ में आया? एंगल वही होगा, सिर्फ आपका रोटेशन चेंज हो जाएगा। क्या हुआ था इसमें? एक्चुअली आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस रोटेट हुआ था, एक केस में क्या होगा वो क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे आपका एंगल पॉजिटिव एंगल होता है, सेम थिंग को आप क्लॉकवाइज कर दोगे वो नेगेटिव एंगल। तो ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको सपोज दिस वन गिवन जेड वन जेड टू जेड थ्री, इफ दिस एंगल थीटा तो आपको अपर लाइन लोअर लाइन प्रॉपरली ढूंढना पड़ेगा। दिस इज योर अपर लाइन, दिस वन इज द लोअर लाइन। ठीक है, ये हमेशा ज्यादा एंगल करता है रादर देन दिस विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव टेंडेंसी। So to get this positive angle, if suppose theta greater than zero, तो theta आपको मिलेगा argument of z1 minus z2 upon z3 minus z2। ठीक है, इसको properly करना पड़ेगा। इसको आप देखो, आप ये इसको मानो कि ये आपका दो vector है। Vector का angle कैसे मिलता है? दोनों vector को आप क्या करोगे? एक पॉइंट से स्टार्ट कराओ, तो इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो ऐसा डायरेक्शन रखोगे तो यू विल गेट दिस एंगल। ठीक है, नहीं तो इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं को टर्मिनल। सर आपने फर्स्ट वाले का नाम क्या बोला? को इनिशियल। एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, को इनिशियल। ये होता है को टर्मिनस और को टर्मिनल, एक पॉइंट पर एंड कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का एंगल सेम होता है, तो इसलिए आप आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड थ्री माइनस जेड टू करो सो दैट दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब एक ऐसा डायरेक्शन जा रहा है। और आप कर सकते हो आर्गुमेंट ऑफ z2 minus z1 upon z3 minus, no, z2 minus z3. z2 minus z1 upon z2 minus z3. तो
तो इसका मतलब दोनों को एक पॉइंट पर एंड कराया, दोनों को एक पॉइंट से स्टार्ट कराओ, नहीं तो दोनों को एक पॉइंट से एंड कराओ, तो ये आपको थीटा मिलता है। बाय चांस आप उल्टा कर दिए, देन व्हाट अबाउट आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड टू माइनस जेड थ्री, इसका मतलब क्या होगा? आप लिए ये Z1, ये Z2, ये Z3, ये एंगल आपका थीटा। Z1 माइनस Z2 मतलब आपका A डायरेक्शन आप डाले, Z2 माइनस Z3 मतलब आप A डायरेक्शन डाल दें, एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस उस साइड का। क्या लिखेंगे? नहीं आठ, वो अक्यूट ऑब्टूस कब पता चलेगा? जब ये पता चलेगा अक्यूट, तब जाके आप बोलोगे दूसरा ऑब्टूस। अभी अक्यूट ऑब्टूस के बात मत करो, ये डायरेक्शन में ऐसे डायरेक्शन में जाएगा तो आप एंगल, इसका अंदर का एंगल मिलता है, वेक्टर में पता है ना। तो जब मैंने डायरेक्शन को इसमें बाहर का एंगल आएगा, हाँ तो क्या एंगल होगा? इफ इट इज थीटा, वो बाहर का एंगल को क्या बोलते हैं? 180 माइनस थीटा, yes, आपका ए एंगल मिल जाता है, तो ये हो जाता है पाई माइनस, यू गॉट माय पॉइंट? तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट इज लाइक वेक्टर, वेक्टर का जैसे इसी हिसाब से इसको करना पड़ता है। तो suppose this is the triangle ABC, ये आपका Z1, ये आपका Z2, ये आपका Z3, that this angle is the alpha, this one beta, this one gamma. So how to get your beta angle? इसमें तो आप पॉजिटिव नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं ट्रायंगल के अंदर बोलूंगा कि एंगल क्या है। आप 40 डिग्री तो 40 डिग्री बोलोगे, आप उसको माइनस 40 डिग्री बोल नहीं पाओगे। तो इसका रोटेशन ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट में होता है। तो मुझे बताओ बीटा एंगल कितना होगा? सर Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, यही आर्गुमेंट ऑफ, आर्गुमेंट ऑफ, यस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। व्हाट अबाउट एंगल गामा? एंगल गामा क्या होगा? हाउ टू गेट योर एंगल गामा? Argument of Z2 minus Z3 upon Z1 minus Z3. Is it? Is it? Yes, sir. ठीक है ना? This is correct. ऐसा नहीं कि ये अपर लाइन नहीं होता है, ये अपर लाइन नहीं होता है। आपको मैंने बताया अपर लाइन माइनस लोअर लाइन, आपका क्या करोगे इसके लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। To get B angle, ये clearly upper line, ये lower line. जब C का angle निकालोगे ना, आपको confusion हो रहा है तो C को क्या करो, B point पर ले आओ, C को घुमा के B point पर लाओ, आपको पता चल जाएगा upper vertex कौन हो रहा है। yes, जब sir. मैं C को B पर लाऊंगा तो upper vertex कौन सा होगा? B और B. A. B होगा सर।
समझा, सी को मैंने जब घुमा के बी पर लाऊंगा तो बी ऊपर चला जाएगा, तो बी होगा अपर वर्टेक्स, तो बी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो बी से मतलब जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन जेड वन माइनस जेड थ्री, इसका आर्गुमेंट। एंगल अल्फा क्या होगा? आर्गुमेंट जेड टू माइनस जेड वन, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन अपॉन जेड थ्री माइनस जेड वन, इज इट सर उल्टा होगा ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। वेरी गुड, वही करो। यहाँ पे अब फिर प्रॉब्लम हो जाता है, आपको ए एंगल चाहिए ना, ए को बी पर लाओ। यस सर, ए को बी पर लाओगे तो कौन ऊपर जा रहा है, वर्टेक्स सी की वर्टेक्स बी? सी, सी तो सी से स्टार्ट होगा ना, न्यूमरेटर सी से होगा। यस सर, तो जेड थ्री माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस, समझाइए। यस सर, Yes, ये क्या होगा, ये एक्चुअली क्या होगा, ऐसा दिया जाएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हुआ है ना। हाँ सर, तो ये अल्फा होगा, ये आप ऐसा बोल दोगे तो ये माइनस अल्फा होगा, जो ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। कोई एंगल पूछ रहा है तो ठीक है, आप मतलब बोल सकते हो इसको माइनस अल्फा बोलेंगे। सपोज ए एंगल आपका 60, लेट अस टेक 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा, ये होगा माइनस 60 डिग्री, समझाइए रोटेशन कैसे हो रहा है। यस सर, आप ये पॉइंट को पैरामीटर मान लो, आपको जो एंगल चाहिए ना उधर देखा, इसके ऊपर मैंने जब ऐसा दो लाइन है L1 L2, ये आपका Z1 लाइन जॉइनिंग Z1 और Z, ये आपका Z3 और Z, इसका थीटा, तो थीटा कैसे मिलेगा, How to get this theta? तो यहाँ पे मैंने पॉइंट, ये पॉइंट एक्चुअली हम जितने डिस्कस किए ना, ये पॉइंट था, अभी ये पॉइंट की जगह क्या गया, स्ट्रेच हो गया, लाइन स्ट्रेच हो गया। सर z1 minus z2, सर आर्गुमेंट ऑफ z1 minus z2 अपॉन z3 minus z4। यस, वही कॉन्सेप्ट है। सपोज आप ये जेड नॉट मान लो, जेड नॉट मानोगे तो क्या होगा, हाउ टू गेट थीटा, जेड वन माइनस जेड नॉट अपॉन जेड थ्री माइनस जेड नॉट, इसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड नॉट अपॉन जेड थ्री माइनस जेड नॉट। अच्छा, ये लाइन का जो आर्गुमेंट होता है, इसका आर्गुमेंट वही होता है ना, ये सेगमेंट जितना एंगल करेगा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, ये सेगमेंट भी उतना ही एंगल करेगा ना। यस सर, तो इसलिए इसको एक्सटेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो टू गेट दैट थीटा, क्योंकि यहाँ पे जेनरेट नहीं था, टू गेट थीटा यू कैन राइट आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड थ्री माइनस जेड, तो यू नो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन राइट इट्स मॉडुलस इनटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, व्हाट इज योर थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड, अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट इज द थीटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कंसीडर दिस वन एज जेड, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा की वैल्यू, तो जेड को क्या लिखेंगे, जेड मॉड मतलब जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड थ्री माइनस जेड फोर, इसका मॉड इनटू
cos theta, theta is the argument of z, yeah, already argument theta diya gaya, so cos theta plus i square. ठीक है ना, तो नाउ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ सर यस सर बोला तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन राइट इट्स मॉडुलस इनटू कॉस थीटा प्लस आई सम नाउ कंडीशन इफ एल वन परपेंडिकुलर टू एल टू इसको मैंने एल वन एंड एल टू लिया था इफ एल वन परपेंडिकुलर टू एल टू तब क्या होगा थीटा पाई बाय टू होगा थीटा जब पाई बाय टू होता है कॉस पाई बाय टू कितना होगा जीरो साइन पाई बाय टू वन तो ये हो जाएगा पूरा आयोटा एंड मॉडुलस मतलब रियल नंबर होता है ये रियल ये आयोटा तो टोटल क्या हो जाएगा रियल के साथ एक आयोटा मल्टीप्लाई करते हो तो क्या रिजल्ट होता है प्योर इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी तो इफ पर एल वन परपेंडिकुलर टू एल टू मीन्स थीटा इक्वल टू पाई बाय टू देन आपका जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड थ्री माइनस जेड फोर इज प्योरली इमेजिनरी If purely imaginary, if Z purely imaginary, then क्या लिखते हैं Z एंड Z conjugate क्या लिखते हैं If Z is the purely imaginary, then opposite and sign. तो क्या होगा z एंड z कंजुगेट अच्छा अपोजिट इन साइन तो z इक्वल टू माइनस ऑफ z कंजुगेट ना यस सर तो z प्लस z कंजुगेट क्या होगा जीरो जीरो हो जाएगा तो कभी भी आपको ऐसे फॉर्मेट में दिखाई दिया कि जीरो मतलब z z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 प्लस इट्स कंजुगेट Z1 minus Z2 conjugate upon Z3 minus Z4 का conjugate equal to zero. इसका मतलब L1 always perpendicular to. सर आप एक बार डायग्राम दिखा सकते हो? यहाँ पे मैंने थीटा की जगह 90 कर दिया. ओके. इसका मतलब क्या होगा? ये आपका Z1, Z2, ये Z3, Z4. तो मैंने थीटा को 90 डाल दिया थीटा के 9 डालेंगे तो ये आयोटा हो जाएगा और ये मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रियल होता है तो ये रिजल्ट जो राइट साइड रिजल्ट होगा ना वो प्योरली इमेजिनरी होगा इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने सिलेक्ट किया था ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी देन जेड प्लस जेड कंजुगेट ऑलवेज जीरो होता है तो वही मैंने इंटरप्रेट किया तो कभी भी ऐसा फॉर्मेट में आपको जीरो दिखाई देता है इसका मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और आपको कभी भी बोला जाता है कि इफ एल वन परपेंडिकुलर टू एल टू बाय द लाइन जॉइनिंग दिस ठीक है ना ऐसा ये परपेंडिकुलर दिया जाएगा देन आपको हमेशा यूज करना पड़ता है कि जेड प्लस जेड कंजुगेट जीरो समझा यस सर पैरेलल होगा तो थीटा कितना होता है टू पाई 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 जीरो और पाई यस सर ये पैरेलल ये एंटी पैरेलल ओके जीरो और पाई होता है तो जीरो डालो कि पाई डालो तो क्या होगा साइन तो जीरो हो जाएगा यस सर कॉस प्लस वन होगा नहीं तो माइनस वन होगा तो एनी हाउ ये टोटल रिजल्ट पूरा रियल हो गया यस देन
जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड थ्री माइनस जेड फोर इज प्योरली रियल. इसका मतलब क्या होगा, इसको इफ आई कंसिडर दिस वन एज जेड, तो जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट. तो कभी प्योरली रियल का कंडीशन रहता है कि एंगल बिटवीन देम इज द जीरो और पाई होता है, तो आप जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट यूज कर सकते. समझ में आया? यस सर. यस सर. देखो रोटेशन कैसे यूज कर रहे हैं. सपोज दिस इज द जेड, जेड वन, इसका मैग्नीट्यूड लेटेस्ट है फोर. दिस इज जेड टू, मैग्नीट्यूड लेटेस्ट है 10. ठीक है, एंड एंगल बिटवीन देम इज द 5/2. जेड वन गिवन, मैग्नीट्यूड गिवन, जेड टू मैग्नीट्यूड गिवन, बट जेड टू नॉट गिवन. आपको जेड टू फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? मॉड ऑफ जेड वन गिवन 4, मॉड ऑफ जेड टू गिवन 10. Let Z1 is equal to 2 plus 3i and angle between the line joining Z1 and Z2 is pi by 2 origin to Z1 and Z2. Then Z2 kitna ho? Find Z2. आपको Z2 कैसे मिलेगा? मिला? मिला कि नहीं? सर एक मिनट.
अच्छा, ये एंगल कैसे मिलेगा? कौन सा एंगल सर? ये जो एंगल 90 डिग्री दिया गया है, ये एंगल कैसे मिलता है? सर आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0. आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस 0 अपॉन z1 माइनस इज इक्वल टू पाई. ठीक है? यस सर. तो दैट मींस आर्गुमेंट ऑफ z2 बाय z1 अपर पाई राइट. तो z2 बाय z1 को क्या लिखोगे? इफ आर्गुमेंट ऑफ z2 बाय z1 इज द पाई बाय 2 देन z2 बाय z1 को क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? tan 90 tan inverse pi by 2 tan pi by 2 होगा सर. कम से कम आज के लेक्चर में 5-6 बार में बोल चुका. If argument of z equal to theta then how to write your z? mod z 2 by upon z1 इसका मॉडुलस z2 upon z1 cos theta plus sin. ये जो थीटा थीटा क्या होता है? 90. बट थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z2 बाय z1. इट इज पाई बाय 2 गिवन. ठीक है? यस सर. इंप्लाई z2 बाय z1. z2 का मॉडुलस कितना? 4 सॉरी 10. दिस वन यू कैन राइट मॉड ऑफ z2 अपॉन मॉड ऑफ z1. Into cos pi by 2 plus I say pi by 2. That implies z2 by z1 you can write 10 by 4 mod z1. 4. Yes sir. Yes sir. Cos pi by 2 plus I sin pi by 2. कितना होता है? I. That means z2 हो गया आपका pi by 2 into z1 into I. है ना? Yes sir. So which is the 5 by 2 iota z1 मैंने क्या दिया था? 2 plus 3 I. 2 plus 3 I. क्या हो जाएगा? Minus iota into iota. मतलब minus 1 हो जाएगा. Minus 15 by 2 और ये 2 cancel plus हो गया. I. Plus 5 है. Yes sir. Okay. Suppose 5 by 2 के जगह और कुछ एंगल दिया होता 120. तो 120 यूज करो इसमें. Yes sir. 120 यूज करेंगे तो ओमेगा होता है. सीधा ओमेगा भी लिख सकते. समझाइए रोटेशन कैसे हो रहा है. Yes sir. चलो हो गया आपका जो भी था उतना भी हो गया. रोटेशन में आप पूछे थे ना? हाँ सर. ये बुकलेट का जो दिया गया उसका जो ऑब्जेक्टिव ऐसा ली. हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3C 3A 3B 3C ऐसा कुछ दिया गया उसको पहले कर लो. और मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था उसको भी कर लो. Yes, फिर सब्जेक्टिव करो. ओके सर. चलो बाय सर. थैंक यू. बाय सर. थैंक यू सर. बाय.